रोज की तरह मोहन अपने गायों को लेकर जंगल पहुंच जाता है और उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसको उस दिन यह अंदाजा नहीं होता कि आज मेरी जान चली जाएगी। तभी अचानक उस पेड़ की डाल टूट जाती है और मोहन की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसा वीडियो अभी आपने स्क्रीन में देखा, ऐसा वीडियो मैं आपको बनाकर सिखाने वाला हूँ। आप अपनी स्टोरी के लिए ऐसा वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताने वाला। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कार्टून वीडियो, एनिमेशन वीडियो सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं और कार्टून वीडियो बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ऐसा सीन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से, वो भी आसानी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एनिमल पोजिंग एप्लीकेशन पर आ जाना। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हुआ है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके यहाँ पर हम एनिमल के कुछ करेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं एक दो करेक्टर ऐड कर लेता हूँ। देखिए, मैंने एक करेक्टर ये लिया, इसके बाद में ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं दूसरा करेक्टर और ले लेता हूँ। दो तीन करेक्टर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। एक करेक्टर मैंने ये ले लिया, इसके बाद में ऐड पर क्लिक करेंगे, इनको कर देंगे। इसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर जो हमने गाय और जो है बकरी ऐड की है, तो यहाँ पर हम इसी ऐप से लेंगे। तो मैंने यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर दिया और यहाँ से मैंने अप्लाई पर क्लिक किया, आँख दबाई और यहाँ से हम आपको रिकॉर्ड कर लेना है कुछ जो है, इसको क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पर इसको 10 से 11 सेकंड रिकॉर्ड करना है अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार से आपको इनको पोज में रख के रिकॉर्ड कर लेना। आप चलिए आगे का प्रोसेस समझते हैं। इसके बाद आपको इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन पर आना, यहाँ आपको लिखकर सर्च करना है कार्टून ट्री। तो यहाँ पर मैं लिखकर सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको कार्टून ट्री मिल जाएंगी। बहुत सारी यहाँ पर आपको PNG देखने को मिलेंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको पसंद है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की PNG मिल जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का बटन यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। आप चलिए आगे का प्रोसेस समझ लेते हैं। इसके बाद आपको बैकग्राउंड इरेजर ऐप पर आना, लोडअप फोटो पर आपको टैप करना है, जो PNG आपने वहाँ से डाउनलोड करी है आपको यहाँ पर लेकर आ जाना, डन पर क्लिक करना, ऑटो कलर आपको लेना है, इस प्रकार से चला देना, तो पीछे का पूरा बैकग्राउंड ये रिमूव करके दे देगा कुछ इस प्रकार से, आपको यहाँ पर चला देना। इसके बाद में आपको डन पर इसको क्लिक करना, अगर आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ये करनी है, यहाँ से आपको एक मैनुअल वाला टूल लेना है और यहाँ पर पहले इसको आपको इस प्रकार से इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद में इतना आपको ये वाली डाली आपको यहाँ पर रखनी है, इसको बस आपको यहाँ पर रखनी है, और रखने के बाद में यहाँ पर बाकी ये पूरा पेड़ आपको इरेज कर लेना है। इतनी डाली आपको रखने के बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, आपको यहाँ पर इरेज करना जैसे मैंने यहाँ पर किया। देखिए, मैंने यहाँ पर एक डाल बस रखी है, बाकी मैंने पूरा पेड़ यहाँ पर इरेज कर लिया। इसके बाद में आपको इसको डन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपको फिर से लोड अप फोटो पर आपको टाइप करना है, वही वाला पेड़ आपको फिर से लेके आना, डन पर आपको क्लिक करना है। इसी वही प्रोसेस है, यहाँ पर ऑटो कलर लेना है और यहाँ पर ऑटो कलर को इस प्रकार से चला देना, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इरेज कर देगा व्हाइट सा बैकग्राउंड। तो कुछ इस प्रकार से आपको चला देना है। चलाने के बाद में आपको यहाँ पर मैनुअल टूल लेना है और यहाँ से आपको इतना डाल जितनी आपने इरेज की थी, तो आपको यहाँ पर डाल नहीं इरेज करना, इतना आपको यहाँ पर इरेज कर देना कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इतना यह पोर्शन यहाँ पर बचेगा, देखिए इतना आपको पोर्शन यहाँ पर ले लेना है, डाल आपने पहले इरेज कर लिए। इसके बाद में डन पर क्लिक करके इसको भी आपको सेव कर लेना। आप चलिए इसको एडिट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको क्रोमा टून्स एप्लीकेशन पर आना, करेक्टर पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको एक विलेज मैन का करेक्टर ले लेना। तो यहाँ पर मैंने विलेज मैन का करेक्टर लिया और यहाँ पर इसके मैंने प्लस पर क्लिक किया और यहाँ पर एक हम इसको दे देंगे पोज सिटिंग आइडल वाला। तो नीचे साइड में आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए सिटिंग आइडल का पोज है, इसको आपको ले लेना है। इसके बाद में फिर प्लस पर क्लिक करना, मूव ऑन पर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फेल डाउन बैक का, तो आपको वाला यहाँ पर जो है पोज यहाँ पर लेना है। तो नीचे साइड में देखिए इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करते आना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फेल डाउन बैक का। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नीचे आ गए, तो यहाँ पर ऊपर साइड में आपको यहाँ पर देख लेना है, तो यहाँ पर आपको एक वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम वही वाला ऑप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फेल डाउन बैक का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। यहाँ पर इस पर दो पोज हमने ऐड कर दिए। इसके बाद में आपको यहाँ से ग्रीन स्क्रीन आपको ले लेना है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ग्रीन या ब्लू बीजी कर लेना है। इसके बाद में ओके करना है और यहाँ पर आपको जो है रिकॉर्ड कर लेना है। इसको कैसे रिकॉर्ड करना है चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से रिकॉर्ड पर क्लिक किया, पहले ऐड को मैं स्किप कर देता हूँ। ऐड मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड पर क्लिक किया, तो देख सकते हैं यहाँ से सारे फंक्शन जा चुके हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप का यूज करना है। इसके बाद में आपको इसी पोज पर इसको रखना है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको 8 सेकेंड कर लेनी है। इसके बाद में 8 सेकेंड करने के होने के बाद में आपको यहाँ पर इस पर टच कर देना, तो ये गिर जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दो की ऐड कर लेनी है और आपको इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। आप चलिए हम चलते हैं काइन मास्टर पर, वहाँ से मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। इसके बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन पर आ जाना। जिसके पास में काइन मास्टर नहीं है, आप मुझे इंस्टा में DM कर सकते हैं या तो मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने मीडिया पर क्लिक किया और यहाँ से मैं एक व्हाइट सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड लिया, इसका लेयर हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। इसके बाद में लेयर पर जाकर हम यहाँ पर वही वाला जो है क्या बोलते हैं पेड़ लेकर आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इरेजर पर गया, आपको भी इरेजर पर ही मिलेगा। तो ये वाला पेड़ मैंने यहाँ पर लिया, इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से रख देंगे। यहाँ पर इसका लेयर भी हम
इसी प्रकार से बड़ा कर लेंगे। अगर आप ये चाहें तो ये चीज़ आप सेम प्रोसेस आप जो है किसी बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं। मैं आपको ग्रीन स्क्रीन में इसलिए बताऊँ ताकि आपको आगे आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पर इसको रोटेट मिररिंग भी कर दिया, इस प्रकार से मैंने किया। लेयर पर जाकर हम वही वाला फिर से जो है क्या बोलते हैं ये वाली डाल लेके आएंगे और यहाँ पर इसका भी लेयर हम उसी प्रकार से बड़ा करेंगे जैसे हमने पेड़ का बड़ा किया है। ओवर एरिया कैंची दबा के ट्रिम राइट कर लेंगे और यहाँ पर इस डाल को हम लेकर आएंगे और इसको भी हम यहाँ पर रोटेट मिररिंग कर देंगे और इसको यहाँ पर इस प्रकार से हम इस डाल को ऐड करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पर जूम किया और यहाँ पर इसको इसी प्रकार से ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर ये डाल जो है ऐड हो चुकी है। अब लेयर पर जाएंगे, वो वाला हम कैरेक्टर यहाँ पर लेकर आएंगे। तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर मैंने ये वाला कैरेक्टर ले लिया और यहाँ पर इसका लेयर देख लेते हैं। बड़ा है तो थोड़ा इनका भी लेयर हम इसी प्रकार से बड़ा कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन दोनों का लेयर भी बड़ा कर दिया और इसका लेयर भी हम यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए इतना लेयर बच रहा तो कैंची दबा के ट्रिम राइट कर लेना है इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने इसको भी यहाँ पर ट्रिम राइट कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पर इसको भी ट्रिम राइट कर दिया और यहाँ पर इसकी वॉल्यूम हम पूरी कम कर लेंगे। अब मैं आपको इसको बनाना सिखाने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी वॉल्यूम कम कर दी और इसकी क्रॉपिंग हम इस प्रकार से कर लेते हैं। क्रॉपिंग करने के बाद में आपको इसकी क्रोमा की भी अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन है, क्रोमा की मैंने अप्लाई की। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर इस प्रकार से बिठा देना है कैरेक्टर को। देखिए जैसे मैं यहाँ पर बिठा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इस कैरेक्टर को बिठा दिया। अब मैं यहाँ पर आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और आपको यहाँ पर देख लेना। देखिए यहाँ से ये कैरेक्टर गिर रहा है तो आपको यहाँ से देख लेना है और यहाँ पर इसका टाइमिंग आप देख सकते हैं 8 सेकंड का टाइमिंग है। तो आपको इसको इस प्रकार से यहाँ पर स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर स्प्लिट करना है, इसको भी आपको यहाँ पर इस डाल को भी आपको यहीं से स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लेयर अलग हो जाएगा स्प्लिट करने के बाद में। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये नीचे गिर रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस डाल पर भी की फ्रेम ऐड करना। तो इस प्रकार से मैंने चाबी दबाई और यहाँ पर इस डाल पर हम की फ्रेम ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस डाल पर इस प्रकार से की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इस डाल को हम इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से ऐसा लगे कि ये डाल यहाँ पर टूट गई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका की फ्रेम ऐड करना। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने प्ले किया तो देखिए डाल टूट रही है, ये भी गिर रहा है और ये डाल वहीं पर है। तो आपको क्या करना है, इसका की फ्रेम डाल का इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगा देना, अलग अलग तरीके से प्लस करना है। फिर इस डाल को इस प्रकार से कर देना, ऐसा लगे कि और नीचे आ रही है इस प्रकार से, और यहाँ पर फिर आगे बढ़ जाना है और आपको इसका पूरा की फ्रेम ऐड कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पर नीचे साइड में ला के ऐसे लगे कि ये डाल यहाँ पर गिर गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लस किया, इस की फ्रेम को मैंने यहाँ पर यहाँ तक पहुँचा दिया। अब आपको इस कैरेक्टर पर भी की फ्रेम लगाना है। अभी इस कैरेक्टर पर की फ्रेम नहीं लगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस कैरेक्टर पर भी आपको की फ्रेम लगाना है। तो ऊपर साइड में जाएंगे, इस कैरेक्टर पर हम की फ्रेम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर गिर रहा है तो आपको इस कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से कर देना है। करने के बाद में फिर इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर की फ्रेम लगा है, फिर इस प्रकार से आपको यहाँ पर की फ्रेम ऐड करना है और यहाँ पर की फ्रेम दबाने के बाद में प्लस करना है, इसको और नीचे यहाँ पर लेकर आना, ठीक है। डाल से नीचे ही आपको रखना है, फिर इस प्रकार से लेके आना है। यहाँ पर डाल पहुँच रही तो आपको इसको और नीचे लेकर आना है इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए डाल लास्ट तक पहुँच रही तो आपको यहाँ पर देखिए इतना एरिया यहाँ पर इसका दोबारा से आ रहा, तो इतना एरिया हम इसका कट मार देंगे, यहाँ से ट्रिम राइट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर फेल डाउन 2 बार हो रहा है तो यहाँ पर ओवर एरिया हमने कैंची दबा के ट्रिम राइट कर दिया। अब यहाँ तक ही इसका की फ्रेम ऐड हो चुका है, आपको मैं अभी प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से मैंने इसको भी ट्रिम राइट कर दिया। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इतना छोटा सा इसलिए क्लिप है और अब यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर मोबाइल से ऐड करने में टाइम तो भाई थोड़ा बहुत लगता ही है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहें इसको यहाँ पर इतना आने के बाद में यहाँ पर आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ पर स्प्लिट करने के बाद में इसको आप सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको सेंड टू बैक कर दिया तो ऐसा लगेगा कि डाल इसके ऊपर गिर रही है। तो इस प्रकार से आप सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा लगेगा डाल इसके ऊपर गिर रही है। तो आपको मैं यहाँ से फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना। अब यहाँ पर इसका कलर भी आपको यहाँ पर ग्रीन कर लेना है और आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना। अब चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ, इसको एडिट कैसे करेंगे। वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको एडिट कैसे करना। तो मीडिया पर गए, यहाँ से मैं पिक्चर पर जाकर एक बैकग्राउंड लेता हूँ और आपको मैं पूरा यहाँ पर समझा के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड लिया, इसको यहाँ पर इस प्रकार से हम पैन एंड जूम करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पैन एंड जूम करना है, इसका लेयर आपको वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लेना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लेयर पर जाकर मैं यहाँ पर जो है कुछ पेड़ ऐड करूँगा, लेकिन इससे पहले हम काइन मास्टर पर जाकर वही वाला यहाँ पर जो है ग्रीन स्क्रीन लेकर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाली ग्रीन स्क्रीन ली, इसके यहाँ पर मैं क्रोमा की भी अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी क्रोमा की अप्लाई करी, इसको यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस प्रकार से रख दिया, यहाँ पर इसका लेयर आपको देख लेना, इसका लेयर और हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इतना कर दिया मैंने, यहाँ पर ओवर एरिया कैंची दबा के ट्रिम राइट कर लिया।
अब यहाँ पर जाकर मैं आपको और भी चीज़ें ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया डाउनलोड पर, और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने एक दो पेड़ यहाँ पर और भी ऐड कर दिए थे, तो वो भी हम यहाँ पर जल्दी से ऐड कर लेते। तो देखिए यहाँ पर मैं इस प्रकार से गया और यहाँ पर हम कुछ पेड़ ऐड कर देते। तो एक पेड़ मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर ये इस पेड़ को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर इसका लेयर भी हम इसी प्रकार से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इतना मैंने इसको बड़ा कर दिया, ओवर एरिया कैंची दबा के ट्रिम राइट कर लिया, और यहाँ पर जो है और भी चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। डाउनलोड पर गया और यहाँ पर मैं जो है कुछ घास की पीएनजी भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। नीचे साइड में गए और यहाँ पर उसको भी ऐड करेंगे। वैसे मैं हर वीडियो में प्रोसेस आपको समझाता रहता हूँ, ताकि आपको, आपने कोई वीडियो नहीं देखा तो आपको दूसरे वीडियो से उस चीज़ की जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर जो है मैं घास की पीएनजी ऐड करके आपको दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर वो पीएनजी मुझे मिल नहीं रही, थोड़ा सा नीचे साइड में मैं और स्क्रॉल करके चला जाता हूँ और आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पीएनजी मिल गई, इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर इतना प्रोसेस हो चुका है, इसका भी लेयर हम इसी प्रकार से बड़ा कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको इस प्रकार से बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद में ट्रिम राइट कर दिया। अब यहाँ पर हम जो वहाँ पर एनिमल के जो हमने कैरेक्टर रिकॉर्ड किए, तो वो भी हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। तो मैंने आपको सिखाया ही है, तो यहाँ पर मैंने इनको लिया। लेने के बाद में इनकी वॉल्यूम हम इस प्रकार से कम कर लेंगे। वॉल्यूम कम करने के बाद में इनकी हम क्रॉपिंग कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो फंक्शन दिख रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ से हट जाए। तो इस प्रकार से मैंने इसको क्रॉप कर लिया, और यहाँ से इसकी हम क्रोमा की अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी क्रोमा की अप्लाई करी, इस प्रकार से इनको यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर इनको इस प्रकार से थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद में देखिए यहाँ पर ये आगे साइड में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर लेना। तो यहाँ पर देखिए पीछे साइड में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सीन बनाकर क्रिएट कर दिया था। एक हिरन का कैरेक्टर भी मैंने यहाँ पर ले लिया था, यहाँ पर साइड में मैंने पीछे साइड में लगा दिया था। अगर आप चाहें तो इस हिरन को भी रिकॉर्ड करके वहाँ पर आप सेंड टू बैक करके उसको रख सकते हैं, तो आपका सीन इसी प्रकार से बनकर क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर वीडियो क्रिएट किया था। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बाय डेली ऐसे कंटेंट अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। इसी आशा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।